आइए आज हम सीखते हैं डीप नेक रखना है तो हमें तख्ती और तीरे का नाप क्या रखना है, और अगर हमें नेक को छोटा बनाना है तो तख्ती और तीरे का क्या नाप रखना है। कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनका कंधे उतरते हैं या गला गिरता है, तो उसका रीज़न वजह यही है कि आपका जो तख्ती और तीरे का जो कटिंग करते वक्त आपने सही नाप नहीं लिया है, इसलिए वो गिरते हैं। तो आइए आज हम उसके बारे में आपको बताते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि तख्ती का नाप किस तरह से लिया जाए। तख्ती का नाप लेने के लिए पहले हम अपने बॉडी का स्ट्रक्चर को एकदम सही रखें। हम अपने हाथों को फैलाए नहीं, पीछे की तरफ नहीं ले जाएं, अपने हाथों को आगे की तरफ जैसे कि हम नॉर्मल वे में रहते हैं उस तरह से रखें। और ये जो हमारे आर्म और के जो जॉइंट्स है इसके जस्ट ऊपर हमारा नाप आता है तख्ती का, इसके नीचे नहीं आता है। ये जगह से ये जगह तक तख्ती का नाप होता है, बहुत ऊपर भी नहीं होता है और बहुत अंदर भी नहीं होता है। बिल्कुल जो ये जॉइंट है आप नॉर्मल अपने हाथों को रखिए और फिर यहाँ से लीजिए। ये जो तख्ती का नाप है ये हमारी ड्रेस की फिटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहमियत रखता है। इससे आपका कुर्ते का जो शेप है, फिटिंग है, वो सही आएगी और आपका जो गला गिरने की शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी। ये हमने नॉर्मल कुर्ता ड्रॉ कर रखा है। बैक का नेक 3.5 इंच है, तख्ती हमारी 6 इंच है, 12 है तो उसकी हाफ 6 इंच है। यहाँ से भी हमने 6 इंच लिया है। स्टैंडर्ड साइज हमारे आर्म होल का 7.5 इंच है और उसके बाद हमने ये 1 इंच बाहर लिया है और यहाँ से 1.5 इंच लिया है और ये यहाँ से 1 इंच लिया है। जैसा कि मैं अपने नॉर्मल कुर्ते में मैंने बनाया है उसी तरीके से मैंने ये लिया है। अब मैं आपको पीछे से नेक को डीप रखने के लिए हमें क्या तख्ती में डिफरेंस करना चाहिए वो बताती हूँ। तो हम जैसे कि हमने ये हमारी 12 तख्ती है और उसका हाफ लेके हमने ये पीछे का नेक 3.5 इंच बनाया है। अगर अब हम 5 इंच नेक बना रहे हैं पीछे का, तो हम यहाँ से नेक को 5 पे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और जो हमारी तख्ती है, तख्ती का नाप हमारे पास है 12 इंच, तो उसको हम 0.5 इंच कम कर लेंगे। पीछे का नेक हम 5 ले रहे हैं तो हम जैसे हमारे पास तख्ती है 12 इंच तो हम यहाँ से ले लेंगे 5.5 इंच। उसके बाद हम स्टैंडर्ड साइज जो हमारा आर्महोल है 7.5 इंच का वही रख लेंगे। और अब यहां से 1.5 इंच हम लेंगे और यहां से ये 1 इंच लेंगे। यहां से हम 1 इंच ले लेंगे, ये पीछे वाला आर्म होगा और यहां एकदम स्लांट ऐसे मिला लेंगे। अब हमारे मार्क जो है वो यहां आएंगे, यहां से हम 1 इंच पे देंगे और ये अंदर वाली लाइन ड्रॉ, यहीं से हम ये बाहर वाली लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे। और ये हमारा 5 इंच का नेक हो। अब हम पीछे का नेक 8 इंच रख रहे हैं या 6 इंच रख रहे हैं, अगर थोड़ा 6 इंच रख रहे हैं तब भी आपकी नाप यही रहेगा, 2-2 इंच तक आपका नाप वही रहेगा कि तख्ती में पहले हमने 0.5 किया उसमें से 0.5 इंच माइनस किया। अब अगर हम पीछे का नेक 10 रख रहे हैं तो लेंगे हम यहीं से स्लांट, 10 लिया तो हम तख्ती के आधे में डायरेक्ट 1 इंच माइनस कर लेंगे। जैसे हमारे पास तख्ती है 12 इंच, उसमें माइनस करके 1 इंच 5 इंच आएगा, तो यहां से हम ये 5 इंच ले लेंगे। फिर वही तरीका हमारा, ये जो हमारी 7.5 की लाइन है यहां से 5 इंच, यहां से भी जरूर ध्यान रखें 5 इंच हो, इससे कम बिल्कुल नहीं हो, और यहां से आपका 1.5 इंच हो, उसके बाद ये 1 इंच हो, ये आपका 1 इंच ही चलेगा।
सिर्फ ये कॉर्नर को हम गोल करने के लिए किसी भी गोल चीज़ का इस्तेमाल कर लेंगे और ये यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। इसको अब हम अंदर ज्वाइन करेंगे, तब आप जरूर ध्यान रखें कि आपकी जो ये निशान है ये यहीं पर आए, इस लाइन के अंदर आपका निशान नहीं जाए, उससे आपका कुर्ता पूरा पूरा टाइट होने के चांसेस हैं। आप इस निशान को अंदर की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप सिर्फ यहीं यहाँ से ये हाफ तक आप आ जाएं, इस लाइन के 7.5 के हाफ तक आप आ जाएं, 7.5 का हाफ आ जाएगा हमारा 3.5 और 4.25। इस लाइन को आप यहाँ तक ले बाहर होते हुए, फिर इस पर ज्वाइन हो जाए। ये हम जस्ट तख्ती का हाफ करके 1 इंच कम कर रहे हैं, अगर पीछे का गला हम 10 इंच ले रहे हैं। अगर आपको और डीप रखना है, गला 11 इंच लेना है, 12 इंच लेना है, तो अब आप यही नाप रखेंगे। इस तरह से हमारा बैक नेक डीप होता जाएगा, तो यहां से हमारे तख्ती में कम होता जाएगा। अब मैं आपको फ्रंट नेक छोटा रखना है तो तख्ती के नाप में क्या करना है बताती हूँ। अब हमारा फ्रंट नेक 5 इंच रखना है, तो हमारी जो तख्ती है जैसे 12 तख्ती है तो उसका हाफ आया 6। इसमें हम अगर आगे वाला नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज 7.5 होता है या 7 होता है, उसके बाद हमें और छोटा रखना है, 5 रखना है, तो हम तख्ती के हाफ में प्लस 1/2 इंच करेंगे। यहां से हम 6.5 इंच ले लेंगे। फिर हमारा स्टैंडर्ड साइज आर्मोर का 7.5 है, वही रहेगा। और यहां सीने का चौथा प्लस 2, तो 10 इंच है, जैसे 32 सीने के नाप से बना रही हूं मैं, 32 चेस्ट के नाप से बना रही हूं मैं, तो उसके अकॉर्डिंग। अब हम यहां से 1 इंच लेंगे क्योंकि हमने तख्ती में हाफ प्लस किया है, और बाहर की तरफ भी हम 1 इंच लेंगे। यहां से अभी हम 1 इंच लेंगे और इसको यहां ऐसे स्लांट मिला लें। ये बैक वाला निशान होगा आपका और ये वाला निशान आपका फ्रंट होगा। हम हमेशा यहां से 1.5 इंच लेते हैं, लेकिन अगर हम गला छोटा रख रहे हैं तो हम यहां से 1 इंच ही लेंगे, उसके बाद ये 1 इंच लेंगे, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल पहले जो स्टैंडर्ड साइज है वो यहां आ रहा है। तो स्टैंडर्ड साइज से तो ये ऑटोमेटिक 1.5 इंच हो ही गया, इसलिए हमने अब यहां से 1 इंच लिया। ये हम गला छोटा करने पे करते हैं। अगर आपको और गला कॉलर वाला करना है तो फिर आप वो कॉलर वाले के अकॉर्डिंग करिए, तख्ती का और तीरे का दोनों का मेजरमेंट लेकर करिए। अगर बस हमें नेक 5 इंच से ज्यादा छोटा नेक नहीं होगा तो उसके लिए बस हम तख्ती के हाफ में प्लस 1/2 इंच कर लेंगे। अगर बोट नेक बना रहे हैं तब भी हमारा यही मेथड चलेगा। हम यहां से तख्ती का हाफ, जैसे 12 तख्ती है उसका हाफ आया 6, उसमें प्लस 1/2 इंच किया 6.5 हो गया। अब हम इस जगह से 2 इंच लेंगे और हम जब किसी का नाप लेंगे तख्ती का बोट नेक बनाने का, तो उसको कंधे पे आप थोड़ा उधर साइड से जैसे यहां रखा है उसी तरह से नाप लीजिए बॉडी का। तब यहां पे अब हम जैसे 6 इंच आया, एक बॉक्स बना लीजिए और फिर उसमें आप बोट नेक में, कई लोग सिर्फ ऐसा बोट चाहते हैं कि सिर्फ कॉर्नर राउंड हो, और कोई एकदम शार्प बोट चाहते हैं तो भी आप 1/2 इंच सीधे चलिए और फिर ये शार्प बोट नेक दीजिए। इसमें आप पीछे का गला, बोट नेक में जनरली आगे और पीछे का गला बराबर होता है, तो आप बस आगे पीछे का बराबर कर लीजिए, और कोई अगर छोटा पसंद करता है तो आप उसको छोटा भी बना दीजिए, तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारा बोट नेक और छोटे नेक की थ्योरी है। इस तरह से हम अपने कुर्ते में जैसे हमें गला बड़ा या छोटा रखना है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। और मैं आपको एक चार्ट बनाकर बताती हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें
अगर तख्ती जैसे 12 है, 13 है, 14 है, तो हमें क्या क्या नाप रखना है? 5 इंच का गला रखना है तो कितनी तख्ती रखना है? 6 इंच का गला रखना है तो कितनी तख्ती रखना है? 10 का रखना है तो कितनी तख्ती रखना है? तो ये मैं आपको एक चार्ट बनाकर बताती हूँ।